वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा सिंपल सा पत्ता गोभी कह लो बंद गोभी कह लो कैबेज का सालन बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें मैं वॉक में बना रही हूँ, वॉक में बनाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। तो चलें सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमने रखा है मीडियम हाई पे। इसमें हम 6 से 8 टेबलस्पून तेल डालेंगे। चलें और अब इसमें हम डालेंगे, देखें 4 साबुत लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून रायदाना है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। ये बड़ी लो इन कैलोरीज होती है और मज़े की चीज़ होती है, लेकिन आम हालात में लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका यूज़ किस तरह किया जाए। मुझे तो इतनी पसंद है, जब मैं फ़र्स्ट चाइल्ड के साथ एक्सपेक्टेड थी ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरी अम्मी ने मुझे पत्ता गोभी बना के दी थी वाइट चावलों के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा था ओह माय गॉड ये तो जन्नत का निवाला जा रहा है। मुझे इतनी पसंद आई थी, अभी भी पसंद है, लेकिन वो जो याद रह गया है वो तो मज़ेदार था। चले ये 30-40 सेकेंड हो गए, सॉटे हो गया। तो देखिए यहाँ हमारे पास आधा कप जितनी प्याज है रफली चॉप की भी, इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून मिर्चें, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन, सब कुटा कुटा टाइप का है, आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉटे करना है। चलें अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूं हैं: 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। बस 30 सेकंड इसे हम भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे, ये हमारे पास 6 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी है, अगर आपके पास ना हो तो पीस लें या छोटा छोटा काट लें। 1 लार्ज टोमेटो डाल दें या 2 मीडियम डाल दें। चले अब इसमें हम डाल देंगे, ये हमारे पास रेड पेपर है, बेल पेपर टाइप की, तेज़ नहीं है तो ये डाल देंगे। हमने 2 काटी है तो 1 डाल देंगे अभी, थोड़े से पीसेस, और ये भी 2 काटी है तो ये 1 डाल देंगे। चले अब हम इसमें अपनी गोभी डाल देंगे। यहाँ हमारे पास 2 पाउंड गोभी है, यानी 1 किलो के आसपास बारीक बारीक कटी हुई, तो ये अब डाल देते हैं। देखिए कितनी मज़े की लग रही है, अभी सही मिली भी नहीं है सही तरह से, लेकिन इसका कैसा लुक आ रहा है देखें। खानी चाहिए सब्ज़ियाँ, ख़ासतौर से पत्ता गोभी तो बेचारी इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन आम हालात में लोग इतना कम बनाते हैं। बेचारी मुझसे शिकायत कर रही थी, क्या आपने भी नहीं बनाया? मैंने कहा हाँ, एक दिन मैं ग्रोसरी लेने के लिए गई, पत्ता गोभी सामने आ गई, कहने की आपने भी अपने चैनल पर नहीं बनाया। मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, कोल्सलो तो बनाया था लेकिन मैंने बंद गोभी का सालन तो नहीं बनाया। तो वो बड़ी उदास हो गई, तो मैंने कहा चले आज बनाते हैं और खाते हैं और खिलाते हैं।
बस अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपका बर्तन थोड़ा छोटा है पत्ता गोभी के हिसाब से, तब थोड़ा थोड़ा डालें और हिलाएं, फिर डाल दें पालक की तरह। ये बहुत जल्दी नरम भी हो जाएगी, और अगर जगह नहीं है तो, और मीठा जगह है तो पूरी डाल दें। देखा क्वांटिटी में डाला था तो कैसी थी, और अब कैसी बैठ बैठ सी गई है। चलें, ये अच्छे से मिल गई है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएंगे। चलें, अब चूल्हे को हम कर देते हैं, मीडियम हाई पे था ना, मीडियम लो कर देते हैं और कवर कर देते हैं, और इसे हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चले फिर मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो अब खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब इसमें हम डाल देते हैं, अगर आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो डाल दें इस पॉइंट पे, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी। और अब ये हमारी लेफ़्ट ओवर जो है मिर्चें हैं वो डाल देते हैं इसमें, कुछ फ्लेवर के लिए, कुछ कलर के लिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं, और ये हरा धनिया डाल देते हैं ज़्यादातर सारा, थोड़ा सा बस गार्निश के लिए रखते हैं, मिलाते हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, शानदार सी। चलें, बस अच्छे से मिला लिया। अब इसको हम 2-3 मिनट दम पे रख लेते हैं, ताकि इस सारी खुशबूएं जो जो हमने डाली है वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो चलें, इसको अब हम बिल्कुल लो कर देते हैं, तो मिलते हैं 2-3 मिनट में। देखें 3-4 मिनट हो गए, खुशबूएं बड़ी ख़तरनाक सी आ रही है। तो चलें चूल्हे को करते हैं बंद, और ये देखें कड़ी पत्ते की और सब मिली जुली खुशबूएं इतनी शानदार आ रही है। चलें डिश आउट करते हैं। देखिए सारा निकल गया। चले अब गार्निश करेंगे थोड़े हरे धनिए के साथ। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे तो पत्ता गोभी बहुत पसंद है। ये तो चावलों के साथ, पराठों के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ बड़ा अच्छा लगता है। गरम गरम जबरदस्त है। लोग क्यों इतना बेचारे को वैल्यू नहीं देते पत्ता गोभी को, ये समझ में नहीं आता। लो कैलोरीज है, मज़ेदार है, और देखा झटपट बनने वाली है। एक बाइट आप लोगों के लिए बनता है। एक्चुअली तो मुझे भी बड़ा दिल चाह रहा है खाने का। गजब का लग रहा है। चले जाएं, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े खूब करें और खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।